बिहार विधानसभा की दो सीटों तारापुर और कुशेश्वर स्थान में वोटिंग से एक दिन पहले तेजस्वी यादव ने फिर नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि पार्टी विशेष के पक्ष में वोट देने के लिए दबाव बना रही है, लोगों को प्रलोभन भी दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई तीर बनाम लालटेन की नहीं, जनता बनाम सरकार की है। बिहार विधानसभा उपचुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने दावा किया कि जिस पुलिस अधिकारी के बारे में हमने चुनाव आयोग से शिकायत की थी, उन्हें चुनाव ड्यूटी से हटा दिया गया है। इससे ये साबित होता है कि हमारा आरोप सही था। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि शराब बांटी जा रही है, छठ के नाम पर महिलाओं को साड़ियां वितरण की जा रही है। कई मंत्री विधायक कुशेश्वर स्थान और तारापुर क्षेत्र में ही मौजूद हैं। तेजस्वी यादव ने एक वीडियो भी दिखाया जिसमें साड़ियां बांटते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें बीजेपी के लोग साड़ियां बांटते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने दावा किया है कि ये कुशेश्वर स्थान का वीडियो है, अगर कहीं भी गड़बड़ी हुई तो हमारी हर जगह नजर है, हर एक छोटी छोटी चीज। और हम तो हेलीकॉप्टर रखे हुए हैं, 30 तारीख को कोई गड़बड़ी होगा, अगर भारी बेमानी होगी तो हम तो पहुंच जाएंगे। हम हिलने डुलने वाले नहीं है, इनकी बेमानी किसी भी हालत में हम चलने नहीं देंगे। गजब की स्थिति बनी हुई है। आप लोग पूछेगा कि भाई क्या है, एविडेंस क्या है, तो लगातार हमारे पास रजिस्टर्ड गाड़ी नंबर भी हम आपको फोटो दे देंगे कि किस गाड़ी में से नोट बांटा जा रहा है। जहां जहां सारी बटी है वहां वहां के लोगों का वीडियो में भी दिखा देंगे, कौन कौन मंत्री कहां कहां बैठा हुआ है, किस किस होटल में, ये भी आपको बता दिया जाएगा। लेकिन जिनको कार्रवाई करनी चाहिए थी, चुनाव आयोग के गाइडलाइन को मानना चाहिए था, वही लोग ऐसा करवा रहे। कई लोग संवैधानिक पद पे बैठे हैं, कई लोग पुलिस ऑफिसर हैं, अधिकारी हैं, जिनको जिम्मेवारी मिली है। नीतीश जी, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, आपकी हार निश्चित है और आपका जाना तय है। चोर दरवाजे से आए हुए मुख्यमंत्री फिर चोरी करें, फिर लुभाने की कोशिश करें। नीतीश जी, अगर आप ईमानदारी से काम कर दिए होते, रोजगार दे देते, कारखाना लगा देते, शिक्षा चिकित्सा सुधार देते, पलायन रोक देते, गरीबी कम कर देते, महंगाई कम कर देते, किसानों का रहना आसान कर देते, MSP पे खरीद फसल करवाते, तो शायद ये नौबत नहीं आती। अब आपको क्या क्या नहीं करना पड़ता है। अब चुनाव आयोग के कार्रवाई के बाद कोई किसी भी दल का, जो कल कुछ लोग, बहुत लोग जिनको बुलवाया जा रहा था, अब उन लोगों का क्या कहना है। कल के जो अधिकारी थे उनके बैच में कई लोग जो है SP बन गए थे, लेकिन ये DSP ही रह गए। क्यों? क्योंकि इन पर विभागीय कार्रवाई भ्रष्टाचार की काफी चल रही थी, दोषी पाए। और डिपुटेशन का कहां नोटिफिकेशन है भाई? किसका निर्णय था, किसके आदेश पे? एक महीने पहले जब ट्रांसफर हुआ तो वापस चुनाव घोषणा के बाद किसके आदेश पे भेजा गया भाई? जरूर कुछ महान शक्ति होगी, शक्तिमान। Who was the Superman? Who had given the order? किसने आदेश दिया? और जिसने दिया, शर्म आ रही होगी सामने आने में, शर्मिले है ना भाई, शर्म तो आएगी। तो हमको देखिए, जो सच्चाई जो है, जो ग्राउंड रिपोर्ट जो है, अब जो आप लोग काम कर रहे हैं, हम भी थोड़ा बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं। आप ही लोगों का ना काम है, आप लोगों का थोड़ा सहयोग कर दे रहे हैं, हाथ बता दे रहे हैं। लेकिन हमने शुरू में कहा कि ये जनता बनाम सरकार लड़ाई होगी,
कुछ भी कर लीजिए, जनता की जीत तय है दोनों से। फिर सब कुछ मिल जाएगा सारी घुमा दी। पांच आदमी तो साफ तौर पे इस पे कहा गया कि डंके के चोट पर दोनों चुनाव जो है जीत रहे हैं। लेकिन ये बातें इसलिए बता रहे हैं कि नीतीश जी देखो किस स्तर पे आ गए हैं, उनका चरित्र कैसे उजागर हो रहा है। ये हमारा फर्ज है कि ऐसी ऐसी कामों को अंजाम दिलवा रहे हैं जो हम आप लोगों के बीच रखे, जनता के बीच रखे। कोई कुछ भी कहे, इस बार जो लड़ाई है ये लालटेन और तीर के बीच नहीं रही, अभी लड़ाई जनता बनाम सरकार होगी और हम लोग जनता के साथ। कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा था कि किसी भी हद तक नीतीश कुमार जी जा सकते, और हमने ये भी कहा कि भाई अगर कोई बेईमानी अगर करेगा तो वहां की जनता जो है, आजकल मोबाइल का जमाना है, वीडियो रिकॉर्डिंग करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आता है। हम कोई चीज कहते हैं तो बिना प्रूफ के एविडेंस की नहीं बात है। शराब का बौछार हो रहा है, शराब का बौछार कराने वाले लोग प्रशासन के, कई जगह के खाना प्रभारी लोगों से फोन करके जो सप्लायर्स है उनसे बात करके, सभी डीलरों से बात करके ब्लैक मार्केट वालों को जगह जगह जो है दारू प्रशासन बंटवाने का काम। और यही नहीं, महिलाओं को छठ के नाम पे साड़ियां बांटी जा रही, कई एमएलसी और डिप्टी स्पीकर भी नोट का बंडल लेकर के पैसा बांटे जा रहे। यानी देख लीजिए नीतीश जी का स्पीच है 2012 में, तो असलियत दिखी लोगों को, कुछ लोगों को समझ में आया, मांझी जी को धोखा दिया, हम लोगों को धोखा दिया, इससे पहले कितने महापुरुषों को उन्होंने धोखा दिया, किसी से छुपा नहीं है। लेकिन अब तो हद हो गई, अपनी कुर्सी बचाने के लिए अपनी नाक कटे ना, उससे बचने के लिए नीतीश कुमार जी अब शराब को आ गए, सारिम को आ गए, नोट बांटे जा रहे हैं, कई कई मंत्री, कई कई विधायक जदयू के अब तो चुनाव प्रचार खत्म हो गया, लेकिन वही जब एजेंडा है ही नहीं। सवाल जो है चुनाव का है और चुनाव का है, इसके आप अलग से आके बात कीजिए, ठीक है।
ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि अगर दो सीट आप जीत गए तो आपकी सरकार बन जाएगी, वो कैसे बनेगी अगर दो सीट आप जीत गए तो सरकार आगे आपकी कैसे बनेगी? हम अभी खुलासा कर दें ताकि कामें ना हो। कभी कोई चीज बताई जाती है? मध्य प्रदेश में सरकार गई ना, कैसे गई भाई? नंबर तो नहीं था बीजेपी के पास, ना कोई ऐसा तीसरा दल था जिसकी संख्या थी, मेजॉरिटी में तो कांग्रेस ही थी।